मेरे पास में काफ़ी ऐसे लोग आते हैं कि शादी होने की बाकी है, उनको डर लगता है कि मैं शादी के बाद में सेक्स कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उनको सुबह मतलब मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता है, और दिन में जैसा इरेक्शन बीच बीच में आना चाहिए ऐसा उनको लोग बोलते हैं, वो दिन में भी इरेक्शन नहीं आता है, और फिर उनको लगता है कि क्या मैं काबिल हूँ कि नहीं हूँ। टिपिकली एक लड़का आया था, बोले मेरा दिन में सो जाता है, उसका लिंग दिन में सो जाता है, उसको जगता ही नहीं, बोले उसको कुछ भी किया तभी, उसको लगता है कि अपना आकर्षण ही नहीं है कोई लेडी की तरफ, कोई लेडी देखती है तो मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि उसको जाके कुछ मिलूँ या बात करूँ या कुछ, इरेक्शन का तो नाम ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि जिनको ऐसा होता नहीं है, क्या है कि जब 13-14 साल 15 साल का लड़का जब पुरुष में आता है मतलब बड़ा बनता है, तो उस समय फिर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, टेस्टोस्टेरोन डेवलप मतलब सिक्रेशन चालू हो जाता है, और बाद में नेचुरली इरेक्शन आते जाता है। ये जो हमारे पंचेंद्रिय जो है, त्वचा, आंखें, कान, जीवा, तो ये जो हमारी टेस्ट, ये जो पंचेंद्रिय है, इससे जो हमको इनपुट मिलते हैं और वहाँ से फिर एक्साइटमेंट आती है और वहाँ से सेक्स डिज़ायर तैयार होती है, सेक्स डिज़ायर तैयार होकर फिर उधर पीछे से इम्पल्सेस जाते हैं और वहाँ से इरेक्शन होता है। अब ये पूरा का पूरा जो है इसमें उनको पता ही अनेक कारण हो सकते हैं जिससे उनको इरेक्शन नहीं आता है, और फिर उनको लगता है कि उन्हें शादी करना कि नहीं करना, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आता है। उनको मैं कुछ दवाई ऐसी देता हूँ, हमने स्पेशली दवाई बना के ली हुई है, और वो दवाई ऐसी देता हूँ कि वो दवाई सुबह शाम लेते हैं तो उसको बीच बीच में नेचुरली इरेक्शन आता जाएगा और उसको लगेगा हाँ जी मैं हूँ, आदमी में हूँ, पुरुष में हूँ, और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ वो दवाई है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट है, बोले दवाई खाए आपकी तो अच्छा लग रहा है। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि भाई नहीं नहीं वो थोड़ा सा इरेक्शन मामूली सा आता है, फिर चिपचिपा पानी आ जाता है और बाद में फिर दिन भर में सो जाता है, तो उनका भी वही प्रॉब्लम है, उनको भी मैं वो देता हूँ दवाई, जो दवाई खाओ ताकि बीच बीच में आपका इरेक्शन होता जाएगा, बीच बीच में आपका जरा अट्रैक्शन होता जाएगा अपोजिट सेक्स की तरफ और आपको अच्छा लगेगा, और वो दवाई देने के बाद में बड़े खुश हो जाते हो कि नहीं नहीं मुझे आपने वो दवा दिया तो बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग इतने अड़ानी है आज के दिन भी, इतने सारे वीडियो डालने के बाद में, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज़ हैं मेरे हैं बाकी लोगों के हैं, अभी भी लोगों का दिमाग में वही है कि मेरा सपने में बहुत जाता है, मैं बहुत लॉस कर रहा हूँ और मेरा चिपचिपा बने जाता है और मैं बहुत वीक हो रहा हूँ और मेरी तो हालत बहुत ख़राब है। ये जो है नॉक्टर्नल इमिशंस मतलब सपन दोष, उससे तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, कुछ भी उनको पटाओ समझ में नहीं आता। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे तो हस्तमैथुन की आदत लगी हुई है, हस्तमैथुन में 3-4 बार करता हूँ, उससे मैं बहुत नाश किया हूँ, वीर्यनाश, और अभी मुझे कोई ताकत ही नहीं है, कुछ मानने को तैयार रहते नहीं हूँ, और बोलता है कि अभी मैं तो काम से गया हूँ। कुछ लोग तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये दवाई काम में आती है, क्योंकि वो उनको ऐसा एक फीलिंग चाहिए रहता है कि नहीं भाई मेरा दिन भर में कुछ ना कुछ इरेक्शन हो रहा है, और वो दवाई से इरेक्शन यदि उनका होते का बीच बीच में तो उनको अच्छा लगता है। ये दवाई हमने स्पेशली आयुर्वेदा में है, वो भी कुछ मैंने निकाले हुए हैं, एलोपैथी में भी है, तो दवाई हम जब देते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा बीच बीच में इरेक्शन होता है एंड दे आर हैप्पी। ये लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाई आपको रात में इरेक्शन होता है क्या, नॉक्टर्नल इरेक्शन? हाँ नॉक्टर्नल रात में होता है कभी कभी जब जागती, तो मतलब फिर वो बेस्ट साइन है कि आपको रात को इरेक्शन हो रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि रात को नींद में आपको इरेक्शन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है सब। या मॉर्निंग उठते हैं तो इरेक्शन होता है? हाँ बोले मॉर्निंग उठते तो भी इरेक्शन होता है, मगर कुछ लोग आते कि नहीं मेरे को मॉर्निंग इरेक्शन कभी हुआ ही नहीं अभी आज तक, और इसलिए उनको प्रॉब्लम है कि मैं आदमी में हूँ कि नहीं हूँ, कभी अभी तक सुना है पढ़ा है कि मॉर्निंग इरेक्शन होते कभी हुआ ही नहीं, तो मुझे भी वो चाहिए कि भाई मॉर्निंग इरेक्शन आना चाहिए। तो उनको फिर हम रात की गोली देते हैं कि रात में ये गोली खाओ, रात में भी इरेक्शन आते जाएंगे जब जागेंगे तो, और सुबह भी आप उठेंगे तब इरेक्शन आपको दिखेंगे। तो ये दवाइयाँ खा के एक लोगों का साइकोलॉजिकली उनको एक सिक्योरिटी फील होती है, स्पेशली इन्होंने यदि ये स्पेशली आप लोगों ने जिनको ऐसा प्रॉब्लम है उन्होंने ये मेरे वीडियोज़ है या साइंटिफिक किताबें पढ़ लिया,
तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।